किसी दिन जरूर हाँ। you are wonderful, Fussy. You are absolutely शुक्रिया। मुझे पहले ये 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 बताओ कि कैसे कैसे हुआ? ये कैसे, ये interest कहां से हुआ? से पैदा तो खैर बड़ी लंबी बात है पुरानी बात है मुझे तो वैसे ही मूवमेंट का शौक था शुरू से क्लासिकल डांसर बनने का तो खैर मुझे कभी सोचा भी नहीं था बस यही था कि मेरे उस्ताद मेरे गुरु महाराज जी वो आ, हमारे साथ ही घर था वहाँ आते थे और एक लड़की को डांस सिखाते थे तो वैसे ही जैसे एक शौक होता है बच्चे का क्योंकि मूवमेंट का शौक़ था तो सब ने कहा कि ये वाला जो डांस फॉर्म है ये असल डांस फॉर्म होता है तो मैंने कहा भई ये असल डांस फॉर्म मैं देखूँ तो सही तो खैर जब मैंने देखा मैंने कहा कि बहुत सच है इससे हसीन चीज़ मुझे डांस तो सबसे पहले लगा ही नहीं मुझे तो इतनी एक इतनी ही प्योर चीज़ लगी कि मैंने कहा कि आप डांस का वर्ड मुझे मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बहुत मिस कर दिया गया है क्योंकि डांस जो है वो इन आर्ट फॉर्म्स के लिए वर्ड जो है ना सिर्फ क्योंकि ऐसे सोचते हैं यहाँ डांस तो वो मुझे नहीं लगता क्योंकि आपको ये डांस फॉर्म्स को जो है ना जो हम डांस फॉर्म्स कहते हैं इनको रक्स कहना चाहिए क्योंकि ये रक्स है तो ये जो चीज़ बात मैं देखता हूँ कि डांस का एक कॉन्सेप्ट जो बना हुआ है कि जी वो हर चीज़ को डांस चाहे वो कुछ भी हो उसको डांस ही कह देते हैं लेकिन ये मुझे डांस नहीं लगता ये तो इतनी एक प्योर इबादत है एक पर्सनल एक चीज़ है जो कि आप प्रेजेंट करते हैं खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये मेरे अंदर है ये आप देखें चाहे वो हाथों से निकले चाहे वो आँखों से निकले ये मैं हूँ आप जो समझते हैं मुझे देखिए मैं कैसा हूँ कमिंग बैक टू यू टॉंग अबाउट ड्रग्स और तुमने डांस फॉर्म की बात की मैं तो एक इतना मुझे गुस्सा चढ़ता है पाकिस्तान की खुतिन के ऊपर जो बेचारी अपने हसबेंड्स के इशारों पर नाचती रहती है आई नोट नो आई मीन नथिंग तुम्हारी तरफ बात नहीं मैं भी नचाया ही करती थी बट आई टॉक मेजोरिटी इन पाकिस्तान जो अपने मर्दों के इशारों पर नाचती रहती हैं डू यू थिंक हम लोग टू आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स और एनी एक्सप्रेशन एनी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दिस सोसाइटी मैं समझता हूँ कि जब से हमारा मुल्क बना है तब से लेके अभी तक इतना इतनी चेंजेस आई हैं डिफरेंट गवर्मेंट्स में बिकॉज जब भी मुझे कोई पूछता है कि आपके ख्याल में अब आपका ये डांस जो है रक्स जो है ये कहाँ तक पहुँचा है तो मैं यही कहता हूँ कि ये सब कुछ गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है क्योंकि साहब का भी टाइम मुझे याद है जिस तरह मैंने परफॉर्मेंसेस की हैं उनके बाद भी सब मुझे याद है तो जैसी गवर्नमेंट होगी वैसा यहाँ का आर्ट होगा अभी तुमने कहा कि लोग तुम्हें पूछते हैं मुझे तो खैर लोग सिर्फ पूछते हैं बहुत पूजा करते हैं मेरी और मेरी हर बात को बड़ा सीरियसली लेते हैं मैंने ये मेरा मुशाह है मुझे ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर सम हाउ दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लोग औरत के रक्स को ज़्यादा पसंद करते हैं कंपेयर टू uh, और ख़ास तौर पर मीडिया सम हाउ हमारे लोग औरत को रक्स करता दिखना चाहते हैं और मर्द के रक्स के, के रक्स को उस तरह अप्रिशिएट नहीं कर पाते वो सेव मेरे ख्याल में वो क्योंकि वो जेंडर देखना चाहते हैं hmm. वो काम नहीं देखना चाहते हैं hmm. यही मैं तो इसका जवाब दूँगा क्योंकि ये चीज़ जो है ये बिल्कुल आ, जेंडर ओरिएंटेड नहीं है कि आप जिस कह रही हो कि औरत को देखना चाहते हैं तो फिर वो देखें फिर वो उन्हीं को देखें क्योंकि जो वो चाहते हैं वो उनको मिल रहा है तो जो मुझे देखना चाहते हैं वो बीस साल से आ रहे हैं और देख भी रहे हैं और मुझे कहाँ वो तो असल में जो चीज़ है उसको देखना चाहते हैं जो मेरे उस्तादों ने मुझे दी हुई है और वो मैं उन्हीं की चीज़ उनको पेश करता हूँ मैं तो एक पता नहीं कौन हूँ जो कि एक चीज़ लेके चला हूँ किसी ने दी है और वो वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ जैसे कथक का हाथ है कि यहाँ से लिया और ये दिया वही बात है कि आपने लिया और किसी को दे दिया महाराज कथक मेरी तो आज़ू ही रही उनसे कभी मिलने की उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल करने की विद संभाओ इतनी अपनी जिंदगी में इतनी इतनी महफ थी इतनी कॉटअप थी विद, विद 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 यू नो थिंग्स रियली आई नेवर हैड चांस टू मीट आप उनके शागिद रहे महाराज का थकी बताइए कैसे इंसान थे वो महाराज जी मैं क्या बताऊँ मैं समझता हूँ मेरी तो सारी जिंदगी गुजरी उनके साथ क्योंकि बहुत छोटी उम्र में शुरू किया था तो जैसे मेरे माँ बाप थे उसी तरह मेरे उस्ताद थे तो उन्होंने तो मुझे हर तरह एक जो मैं समझता हूँ उनके अंदर चीज़ थी जो कि सही मानों में होनी चाहिए एक उस्ताद के अंदर वो है कि आप एक एक लफ्ज़ होता है टीचर और एक होता है उस्ताद गुरु इसमें एक फर्ज भी होता <laughs> है हाँ। बिल्कुल वो आपको सिर्फ आपका सब्जेक्ट नहीं सिखा रहा होता जैसे एक टीचर आपको स्कूल में जो भी एक सिखाता है उस्ताद आपको उस चीज़ के साथ दुनिया की हर चीज़ बताता है जिससे वो आपको एक अच्छा इंसान असल में उस्ताद गुरु का मतलब ये होता है कि वो उसको अपने शागिर्द को एक अच्छा इंसान बनाए ये नहीं कि उसको डांसर बना दे या उसको कुछ भी जो भी कह लो वो ये बात नहीं होती तो उनके अंदर ये बहुत क्वालिटी थी और हमेशा कहते थे कि शागिर्द का मतलब ये होता है कि ये शाह है और उसके गिर्द मंडलाना इसे ओ, शागिर्द कहते हैं हाँ। वरना यहाँ तो शागिर्द इतना हर एक शागिर्द ये मेरा शागिर्द है कह देते हैं लेकिन असल मतलब शागिर्द का ये है कि शाह के गर्दला मनला, मंडलाते रहो तो वही मैं समझता हूँ वही स्टूडेंट वही शागिर्द शायद आगे बढ़ता है जो कि मंडलाता है चाहे वो उस्ताद के आगे चाहे वो माँ बाप के आगे तो वही लोग जो हैं वो आपको आगे उनकी दुआएं आपको आगे लेके जाती हैं बट फ़सी तुम्हारी बातें सुन के मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि तुम बहुत खुशकस्मत हो खुदा ने तुम्हें इतना नवाज़ा इतना इतना टैलेंट यू नो इतना इतना एक अच्छा उस्ताद सब कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया इज्ज़त दी दी अल्लाह का बहुत करम है लेकिन डू यू थिंक द सोसाइटी एंड डू यू थिंक एज एन एक्टर एज रहमान आज क्या फ़सी रहमान मतमईन है क्या रहमान ये समझता है कि इस माशरे में जिस माशरे में फ़सी पैदा हुआ विद ऑल हिज टैलेंट इस माशरे में क्या रहमान के साथ इंसाफ़ किया कि नहीं मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ hmm. बहुत खुश हूँ hmm. मैं समझता हूँ क्योंकि मैंने माशरे के लिए नहीं किया hmm. मैंने अपने लिए किया है hmm. और अपना जब मैं अपने दिल से hmm. ये सोचूंगा और सोचता हूँ hmm. कि जब भी मैं खड़ा होता हूँ कुछ करने के लिए मैं अपने में हूँ hmm. और जिसने मुझे समझना है समझ ले hmm. जिसने नहीं समझना वो ना समझे hmm. वो उनकी अपनी नीयतें हैं hmm. तो मुझे time, said, perform, अपना अपनी जात का कुछ तुम दूसरों को दे रहे हो एंड इट्स बट नेचुरल नूर जब इंसान कुछ देता है तो यू नो इट्स नेचुरल फॉर दैट पर्सन टू एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न वेल एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव हैड एक्सपेक्टेशंस शायद टाइम होता है hmm. एक टाइम होता है जब आप एक्सपेक्ट करते हैं Uh, मेरा अब वो टाइम शायद नहीं है कि मैं हर वक्त ये एक्सपेक्ट करूँ अपनी ऑडियंस से कि उसने मुझे क्यों नहीं वहाँ पे दाद दी या क्यों नहीं मेरे लिए वो दाद अब अब नहीं माने रखती हाउ डू यू फील अबाउट चिल्ड्रेन पहली बात है कौन बच्चे किसको नहीं पसंद होते okay, सीरियस <laughs> आ, मसूद की याद आ अ ब्रिलियंट सिनेमेटोग्राफर कैमरामैन जी मुझे बड़ी ऑफिस <laughs> कहने लगे <laughs> कहने लगे मसूद परवेज साहब तो मेरे घर आ गए कहने लगे कहने लगे नाजी इफ़ यू एवर मेक एनस दिग ऑन द बिग स्क्रीन यू यू नो इफ एवर मेक एन ऑन द बिग स्क्रीन इट विल बी सो बिग सो बिग पहले इंतज़ार फिल्म में मुझे ही कास्ट किया था व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव विद योर डैड मेरे वालिद खैर सभी जानते हैं उनको बहुत जैसे होता है बच्चों के साथ बहुत प्यार करते थे बहुत ही अच्छा उनके साथ मैं कभी जाता भी था उनकी शूटिंग्स पे स्टूडियोज सब कुछ उनका काम तो सब जानते हैं रिलेशनशिप बहुत अच्छी बहुत ही खूबसूरत अच्छे वालिद जैसे होना चाहिए उनका ये था कि उनका काम उनकी फिल्म उनका स्टूडियो एक तरफ होता था उनका घर बिल्कुल एक तरफ था और ये ये बड़ी क्वालिटी होती है बहुत बहुत, बहुत अच्छा रिलेशनशिपी बहुत बहुत ही uh, मज़ा आया आपसे बातें करने का और सिर्फ मैं ये कहूँगा जितने भी हमारे मुल्क में लोग माँ बाप हैं उनको अपनी औलाद जो भी करना चाहें उनको हमेशा उनको हिम्मत देनी चाहिए कभी भी इन बातों का नहीं ख़्याल रखना चाहिए कि तुम्हें ये नहीं करना तुम्हें वो नहीं करना उनको इतनी हिम्मत दें ताकि वो जो भी कर रहे हैं उसमें बड़ा बन के दिखाएँ और उनका नाम रोशन करें